बाबर तैमूर वंश और चंगेज खान का वंशज था। ठीक है, उसकी माता चंगेज खान की वंशज थी और पिता तैमूर वंश के थे। ठीक है, हो गया जिसमें मुल्तान हो गया, जालंधर हो गया, वीड़ा हो गया, इन क्षेत्रों में वो कब्जा कर चुका था, अपना राज्य स्थापित कर। इनके सबके कान खड़े हो गए कि ये बात गलत है भैया, अब हो गया काम। तो अब यही कारण था खानवा का युद्ध। ठीक है, तो पहला कारण ये था कि कुशल योद्धा नहीं थे, मतलब प्रशिक्षित योद्धा नहीं थे, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, सीधा भर्ती कर लिए थे, युद्ध के मैदान में उतार दिए थे। हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम सत्र में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम्स की। और आज का टॉपिक है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, उसके बारे में आज बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देर न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो सबसे पहले ये आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि युद्ध है तो दो लोग के बीच में लड़ा गया होगा, तो ये किनके किनके बीच में लड़ा गया था, ये छोटी मोटी जानकारी ही है, बहुत से लोग को पता होंगी। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो ये युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था, बहुत से लोग को पता होगा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, इब्राहिम लोदी, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अब डेट भी माइंड में आ रही होगी कि डेट क्या है, किस दिन लड़ा गया था। जो आपको मुख्य तारीख बताई जाती है, जो हम लोग याद रखते हैं एग्ज़ाम में जो पूछी जाती है, वो 21 है, 21 मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि 21 तारीख को युद्ध का परिणाम निकला था, लगभग 4-5 घंटे तक युद्ध चला था। ठीक है, मुख्य युद्ध 21 तारीख को ही हुआ था। तो इसकी डेट क्या है, 21 अप्रैल 1526। ठीक है, कब लड़ा गया था, 21 अप्रैल 1526। ठीक है, ये डेट आप याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 पानीपत का युद्ध किनके किनके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, कब, 21 अप्रैल 1526। ठीक है, ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। अब देखिए, आज बात करते हैं बाबर के बारे में। ठीक है, बाबर के बारे में बात करते हैं। ये बाबर जो है, ये इसका जन्म कहाँ हुआ था, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए बाबर का जन्म कब हुआ था। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483। जन्म कब हुआ था बाबर का, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को। ठीक है, देखिए वैलेंटाइन डे वाले दिन इसका जन्मदिन हुआ था, उस टाइम तो होता भी नहीं होगा, पता भी नहीं हुआ इसको। आई थिंक 1800 कुछ में वैलेंटाइन डे की शुरुआत हुई थी, मुझे क्लियर नहीं, पता नहीं मुझे इसके बारे में। ठीक है, तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। कहाँ पर हुआ था, इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसका जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान में। ठीक है, कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान में। देखिए ये छोटी इन्फॉर्मेशन है बाबर के बारे में, आपको दे देता हूँ, फिर पानीपत के युद्ध पर आते हैं। ठीक है, कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब देखिए, और इसके पिताजी का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। पिता कौन थे, उमर शेख मिर्जा। ठीक है, ये तैमूर वंश के थे, उमर शेख मिर्जा। और इनकी माता का नाम क्या था, कुतुलुग निगार खानम, कुतुलुग निगार खानम। माता का नाम क्या था, कुतुलुग निगार खानम, निगार खानम। ठीक है, तो अगर देखा जाए फिर बाबर किस वंश का हुआ, तो बाबर तैमूर वंश और चंगेज खान का वंशज था, ये आप कह सकते हैं, बाबर तैमूर वंश और चंगेज खान का वंशज था। ठीक है, क्योंकि माता चंगेज खान की वंशज थी और पिता तैमूर वंश के थे। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है ऐसा। और बाबर ने बाबरनामा लिखा था खुद ही, अपनी जो है आत्मकथा बाबर ने खुद लिखी थी तुर्की भाषा में, बाबरनामा। ठीक है, बाबर ने खुद लिखा था बाबरनामा, जिसे कहते हैं। ठीक है, बाबरनामा जो है ये खुद बाबर ने लिखा था, तुर्की भाषा में था। ठीक है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये किस भाषा में, तुर्की भाषा में। ठीक है, खुद बाबर ने लिखा है तुर्की भाषा में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि बाबर जो है इतना शक्तिशाली था कि अपने दोनों भुजाओं पर एक एक आदमी, मतलब एक दाहिनी भुजा पर एक बाहिनी भुजा पर
दोनों भुजाओं पर एक एक आदमी बैठाकर और रोज़ सुबह व्यायाम के लिए दौड़ता था। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हष्ट पुष्ट था, शक्तिशाली जो है शहंशाह था ये, ठीक है। और ये जो है 11 वर्ष की उम्र में ही फरगना का शासक बना था। बाबर जो है काफ़ी कम उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में ही फरगना का शासक बना था, ठीक है। फरगना का शासक बना था, ठीक है, 11 वर्ष की उम्र में ही, ठीक है, 11 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो ये क्योंकि इसकी उम्र काफ़ी कम थी तो इस चीज़ का फ़ायदा इसके रिश्तेदार चाचा वाचा उठा लेते थे, ठीक है। और वो जो है इनसे गद्दी छीन लिए थे और फिर बाद में फिर से इसने फरगना का शासक बना। फिर से जब थोड़ा बड़ा हुआ, इस राज का समझने लगा, तो फिर से ये जो है फरगना और समरकंद को इसने फिर से जीत लिया। और उसके बाद जब ये आगे काबुल की तरफ बढ़ता था लड़ाई के लिए, जब युद्ध क्षेत्र में, तो युद्ध के लिए जब आगे बढ़ता था तो इसके विरोधी काफ़ी थे बाबर के, तो ये पीछे से उसके विरोधी जो है फिर से इसके जहाँ क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लेते थे। फिर बाद में आगे युद्ध जीतकर फिर से जब लौटता था फिर से उनको हराता था। मतलब ये इसके विरोधी कई थे। ये फरगना और समरकंद को 2-3 बार लगभग इससे इसके हाथ से गया है और इसने फिर जीता है, ठीक है, क्योंकि इसके विरोधी बहुत थे। और ये फिर लड़ाई करते करते काबुल पहुँचा और काबुल के बाद धीरे धीरे ये पंजाब तक आ गया, ठीक है। और आते हैं सीधे पानीपत के युद्ध पर, ठीक है, क्योंकि अब उसकी लड़ाई की अगर बात करने जाएंगे तो पानीपत का युद्ध छूट जाएगा। अब सीधे पानीपत के युद्ध के पर आते हैं क्योंकि उसके बाबर के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है, ठीक है। तो ये पंजाब तक पहुँच चुका था बाबर, पंजाब के कई क्षेत्रों में ये जो है अपना राज्य स्थापित कर चुका था। पंजाब का जैसे हो गया आपका बाजौर, हो गया भीड़ा, हो गया मुल्तान, हो गया जालंधर, हो गया, इन सब पर जो है ये अपना जो है राज स्थापित कर चुका था बाबर। और इसकी नज़र थी अब दिल्ली तक पहुंचने की, बाबर की इच्छा थी कि हम दिल्ली तक पहुंचें, दिल्ली तक अपना राज स्थापित करें, उत्तर भारत में अपना राज स्थापित करें बाबर, ठीक है। तो ये एक बताते हैं आपको, ये मान लीजिए मैप है ये, क्योंकि अब ये भारत था, पहले ये सब पाकिस्तान और सब इसमें मिला हुआ था ना, तो ये यहाँ तक बाबर लगभग पहुँच चुका था। ये राजस्थान है, ये पंजाब है, ठीक है, ये राजस्थान है और ये पंजाब हो गया, यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली हो गया, ठीक है। तो बाबर पंजाब तक जो है कई क्षेत्रों तक यहाँ तक पहुँच चुका था। बाजौर हो गया जिसमें मुल्तान हो गया, जालंधर हो गया, भीड़ा हो गया, इन क्षेत्रों में वो कब्जा कर चुका था, अपना राज्य स्थापित कर चुका था। अब दिल्ली पर कौन था? दिल्ली पर शासन था इब्राहिम लोदी का, ठीक है, दिल्ली पर शासन था इब्राहिम लोदी का। लोदी वंश का राज्य स्थापित था दिल्ली पर, ठीक है, उत्तर भारत में अगर बात किया जाए दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में, ठीक है। तो अब बाबर की इच्छा थी कि दिल्ली तक पहुंचा जाए। और इधर इब्राहिम लोदी जो है वो मतलब इतना ज़्यादा अच्छा शासक नहीं था, मतलब उसको युद्ध के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था और ज़्यादा अनुभव भी नहीं था, क्योंकि 1517 में वो जो है राज्य पर सिंहासन पर बैठा था, उसके हाथ में सत्ता ही थी तो उसको ज़्यादा अनुभव नहीं था, ठीक है। 1517 में उसको शहंशाह बनाया गया और 1526 में लड़ाई हो गई पानीपत की, तो उसको ज़्यादा काफ़ी साल का अनुभव नहीं था। और ये जो है 11 साल की उम्र में ही शासक बन गया था और युद्ध कर रहा था, इसको करीब करीब 25 साल का अनुभव था युद्ध का। तो इब्राहिम लोदी से जो है उसके रिश्तेदार, उसके चाचा हो गए, ये सब खुश नहीं थे, ठीक है। जैसे उसके चाचा थे कौन, उसके चाचा थे आलम खान लोदी, ठीक है, वो इससे खुश नहीं थे। राणा सांगा जो राजस्थान के राजा थे, राणा सांगा, ठीक है, वो भी जो है इब्राहिम लोदी से उनकी भी नहीं बनती थी। और जो चाचा हैं इब्राहिम लोदी के, आलम खान लोदी, उनकी भी नहीं बनती थी इब्राहिम लोदी से, क्योंकि ये अच्छा शासक नहीं था, राजकाज अच्छे से चला नहीं पाता था, ठीक है। और वो सब चाहते थे कि राजकाज हमारे हाथ में आ जाए, आलम खान लोदी, ठीक है, इसीलिए इब्राहिम लोदी से इन सबकी नहीं बनती थी। तो किया क्या, राणा सांगा ने एक हो गए और आलम खान लोदी जो कि इब्राहिम लोदी के चाचा थे, दूसरे ये हो गए, और तीसरे लाहौर के सूबेदार रह चुके दौलत खान लोदी, इन तीनों ने बाबर को आमंत्रण दिया कि आप दिल्ली पे आइए, आक्रमण कीजिए और यहाँ से जो लूटपाट करना है आप लूटपाट करिए और यहाँ से चले जाइए। इन्होंने आमंत्रण दिया इन तीनों लोगों ने बाबर को, ठीक है। तो बाबर अब क्योंकि वो दिल्ली पर वैसे भी उत्तर भारत में अपना अधिकार जमाना चाहता था, उसको बहाना मिल गया। और पानीपत के युद्ध के पहले उसने भारत में 4 युद्ध किए थे जिसके तहत छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपना राज स्थापित किया था। पानीपत का युद्ध 5वां युद्ध था, ठीक है, क्योंकि राणा जो राजस्थान के राणा सांगा हैं, इन्होंने
और जो इब्राहिम लोदी के चाचा हैं आलम खां लोदी और जो लाहौर के सूबेदार रह चुके थे दौलत खां लोदी, इन तीनों ने आमंत्रण दिया था बाबर को आगे दिल्ली पे आक्रमण करें। ठीक है, तो बाबर युद्ध के कुछ दिन पहले पानीपत पहुंच चुका था। ठीक है, पानीपत पहुंच चुका था, उसने पानीपत का जो क्षेत्र था जहां पे युद्ध करना था उस क्षेत्र का काफ़ी मतलब निरीक्षण किया और अपनी युद्ध की नीति बनाई कि कैसे हमें इब्राहिम लोदी से लड़ना है, क्योंकि इब्राहिम लोदी की सेना बाबर से बड़ी थी। लोदी की सेना लगभग 110,000 के आसपास थी और बाबर की सेना कितनी थी? बाबर की सेना लगभग थी, आप मान के चलिए लगभग 25,000 थी। ठीक है, तो देखिए आप, बाबर की सेना आधी भी नहीं थी, इसीलिए उसने युद्ध की रणनीति बनाई कि कैसे हम इब्राहिम लोदी से निपटेंगे। इसीलिए उसने पानीपत के क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्लानिंग बनाई। ठीक है, योजना बनाई कि हमें कैसा युद्ध लड़ना है। और उसने जब पानीपत का युद्ध हुआ तो उसने दो पद्धति का इस्तेमाल किया, एक तुलगमा पद्धति और एक उस्मानीय पद्धति। कौन सी? एक तुलगमा पद्धति लिख देता हूँ, एक तुलगमा पद्धति हो गई। ठीक है, और दूसरी उस्मानीय पद्धति। ठीक है, बाबर ने अपनी रणभूमि में युद्ध के समय पर इन दोनों पद्धति का इस्तेमाल किया, एक तुलगमा पद्धति एक उस्मानीय पद्धति। ठीक है, इन दोनों पद्धति के बारे में मैं बताऊंगा ये कैसे युद्ध में इसको प्लानिंग किया था, इसका अलग वीडियो बता दूंगा फिर। ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए कि बाबर ने अपने युद्ध भूमि पर तुलगमा पद्धति और उस्मानीय पद्धति से लड़ाई की, जिससे इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। ठीक है, इन दोनों पद्धति का प्रयोग करके बाबर जो है इब्राहिम लोदी से पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लेता है। ठीक है, तो परिणाम क्या निकलता है इसमें? परिणाम निकलता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ है उसमें बाबर की जीत होती है, बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध का निर्णय यही निकला था और वहीं मैदान युद्ध क्षेत्र में ही इब्राहिम लोदी मारा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा शासक लोदी वंश का जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था, उसका नाम है इब्राहिम लोदी। ठीक है, वहीं युद्ध भूमि में ही, रणभूमि में ही इब्राहिम लोदी मार दिया गया था। ठीक है, इस युद्ध में जो है बाबर ने युद्ध जीता तो उसके बाद दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा उसने उत्तर भारत के क्षेत्र में उसे धन मिला, धन प्राप्त हुआ। ठीक है, सोना चांदी जेवरात ये सब उसे बहुत ज़्यादा बाबर को मिले यहाँ से। ठीक है, तो वो यहाँ से धन लूटता है और काबुल वापस चला जाता है। ठीक है, युद्ध से काफ़ी धन बाबर को प्राप्त होता है, बाबर को मिलता है। ठीक है, क्योंकि खजाना रहता था ना पहले शासकों के पास सोने का चांदी का, तो ये यहाँ से धन लूटता है और काबुल वापस चला जाता है। ठीक है, काबुल वापस जाके वहाँ पे जो है सबको, एक काबुल के हर एक व्यक्ति को चांदी का एक एक सिक्का देता है। क्या देता है? चांदी का एक सिक्का देता है। काबुल जाकर सबको एक एक चांदी का सिक्का देता है। ठीक है, चांदी का सिक्का देता है। सिक्का देता है तो जो धन दिया जाता है, जो बहुत ज़्यादा धन दान करता है उसको क्या कहते हैं? कलंदर कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? बाबर को। कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? बाबर को। इसीलिए इसे कलंदर की उपाधि मिली, कलंदर की उपाधि। ठीक है, कलंदर की उपाधि, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कलंदर की उपाधि किसे मिली थी? कलंदर की उपाधि मिली। ठीक है, इसने कलंदर की उपाधि धारण की, कलंदर की उपाधि। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो आंसर होगा बाबर ने धारण की थी। ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ये सब ये सोचे थे कि बाबर आएगा दिल्ली पर आक्रमण करेगा और इब्राहिम लोदी को हराएगा और वापस चला जाएगा, ये सब ये सोचे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाबर जो है
काबुल में धन वितरण करके वहाँ पे कुछ दिन व्यतीत करके दोबारा वापस आया दिल्ली पर, और इसने घोषणा की कि अब वो यहीं पर रहेगा, दिल्ली से ही अपना राजकाज स्थापित करेगा, क्योंकि इसके विरोधी बहुत थे जैसा कि शुरू में मैंने बताया। तो ये जब युद्ध करते करते आगे बढ़ता था तो इसके विरोधी जो हैं पीछे के क्षेत्र में अपना जो है अपना कब्जा कर लेते थे, युद्ध करके वो क्षेत्र अपने अधिकार में ले लेते थे। इसीलिए इसका ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, थोड़ा बहुत जो राज्य था इसका काबुल में था, और इसको क्योंकि धन बहुत ज़्यादा भारत से मिला था इसीलिए इसने घोषणा की कि अब वो भारत में ही रहेगा, उत्तर भारत में अपना राज्य स्थापित करेगा। अब हुआ क्या, अब जब ये बात तीनों लोग को पता चली, किनको तीन लोगों, राजस्थान के राजा राणा सांगा और दौलत खा लोदी और आलम खा लोदी, जब तीनों लोग को पता चला तो इनके सबके कान खड़े हो गए कि ये बात गलत है भैया, अब हो गया काम। तो अब यही कारण था खानवा का युद्ध, ठीक है। अब जो अगला युद्ध होता है 1527 में खानवा का युद्ध होता है, जो तीनों लोग इनको आमंत्रण दिए थे बाबर को आक्रमण करने के लिए भारत में, अब यही तीनों लोग बाबर पर आक्रमण करते हैं यहाँ से भगाने के लिए। तो अगला युद्ध होता है खानवा का युद्ध, जो कि अगले वीडियो में बताएंगे आपको। खानवा का युद्ध इसीलिए होता है, जो इनको आमंत्रित किए थे अब वो इनसे युद्ध करेंगे बाबर से। जो लोग बाबर को आमंत्रित किए थे आक्रमण के लिए दिल्ली पर, अब वही लोग बाबर को भगाने के लिए युद्ध करेंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो जो है आपका खानवा का युद्ध रहेगा, उससे पहले एक और वीडियो ले आएंगे जिसमें आपको बता देंगे कि तुलगमा और उस्मानी पद्धति क्या है जिसका इस्तेमाल करके जो है बाबर जीता था, क्योंकि इस पद्धति में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था, बारूद का इस्तेमाल किया था, ठीक है। इसीलिए इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था बाबर को, इससे पहले किसी ने जो है तोपों और बारूदों का इस्तेमाल नहीं किया था आक्रमण के लिए, ठीक है। लेकिन बाबर ने सबसे पहले जो है तोपों का और बारूदों का आक्रमण किया, इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा युद्ध जीतने के लिए, ठीक है। तो हार का कारण क्या हुआ इब्राहिम लोदी का, हार का कारण की अगर बात करें, इब्राहिम लोदी के हार का कारण तो क्या हो जाएगा, पहला कारण आपका क्या हो जाएगा, कुशल योद्धा नहीं थे, ठीक है। कुशल योद्धा किसके पास नहीं थे, इब्राहिम लोदी के पास सैनिक 1,10,000 के आसपास जरूर थे, लेकिन उनके पास सारे सैनिक प्रशिक्षित नहीं थे, मतलब कि ट्रेनिंग नहीं लिए हुए थे। जो इमरजेंसी में सबको हायर किया जाता है लड़ाई के लिए, वैसे इनके पास सैनिक ज़्यादा थे, ठीक है। तो कुशल प्रशिक्षण नहीं था, इसीलिए कुशल योद्धा इब्राहिम लोदी के सेना में नहीं थे, कुशल योद्धा नहीं थे। और बाबर के जो 25,000-30,000 के आसपास सेना थी वो वेल ट्रेंड थी, पूरा उनको प्रशिक्षण दिया गया था युद्ध कैसे लड़ना है और युद्ध में कैसे रणनीति बनानी है, वो उनको पूरा प्रशिक्षण दिया गया था। जबकि इब्राहिम लोदी की सेना में आधे ऐसे थे जिनको कोई प्रशिक्षण नहीं था, सीधे युद्ध लड़ने चले आए थे, इसीलिए उनके में कुशल योद्धा नहीं थे, प्रशिक्षित योद्धा नहीं थे, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था इब्राहिम लोदी का, ठीक है। दूसरी, कुशल रणनीति नहीं थी। बाबर ने रणनीति बनाई थी बहुत अच्छी, वो आके जैसा कि मैंने बताया पानीपत के मैदान में उसका निरीक्षण किया और मैदान के हिसाब से उसने रणनीति बनाई, ठीक है। तो कुशल रणनीति नहीं थी, ठीक है। दूसरा कारण ये था कुशल रणनीति नहीं बनाई इब्राहिम लोदी ने, जिसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ा युद्ध हार कर, उनकी वही मैदान में ही युद्ध क्षेत्र में ही उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये भी था कि बाबर ने तोपों और बारूद का इस्तेमाल किया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था बाबर की जीत का कारण। बाबर ने तोपों और बारूद का इस्तेमाल किया, ठीक है। और तीसरा एक और ड्रॉबैक था कि जो है इब्राहिम लोदी की उसके उन्हीं के रिश्तेदारों से, चाचा से और सबसे सगी संबंधों से नहीं बनती थी, जो है वो बाबर का साथ दिए थे, नहीं तो अगर वो उनके सबके साथ होते तो हो सकता थोड़ी देर युद्ध में टिकते भी, ठीक है। तो ये कारण थे जिससे इब्राहिम लोदी युद्ध में हार गया, पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, वो इब्राहिम लोदी हार गया। तो पहला कारण यह था कि कुशल योद्धा नहीं थे,
मतलब प्रशिक्षित योद्धा नहीं थे, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, सीधा भर्ती कर लिए थे, युद्ध के मैदान में उतार दिए थे, ठीक है। और वो थोड़ा सा भी इधर उधर देखकर, जैसे देखते थे कि माहौल खराब हो रहा है, पीठ दिखाकर भाग जाते थे। एक तो ये हो गया, दूसरा कुशल रणनीति नहीं बनाई थी, सीधा जो परंपरागत नीति थी उसी के तहत उन्होंने युद्ध किया, ठीक है। और बाबर ने जो है तोपों बारूद का इस्तेमाल किया, ये भी एक कारण था। तो ये हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद आपको बता देंगे तुलगुमान पद्धति और उस्मानी पद्धति, वीडियो आ जाएगा उसमें बता देंगे कि पद्धति बहुत अच्छी पद्धति थी, आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो वो बता देंगे, उसके बाद आपको खानवा का युद्ध बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो आप लोग देखें, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालें आपके में नोटिफिकेशन आ जाए, और अगर हो सके तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।